हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत सुना था मिर्ची की कलौजी बहुत टेस्टी होती है, तो मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, सच में गज़ब था ये। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो मैंने मसाले यूज़ किए थे वो मेरे स्पेशल बनारस के मसाले यूज़ किए थे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पता है मैंने क्या किया, धनिया लिया, सौंफ लिया, थोड़ा कलौजी आता है ना इसको मंगरेल भी बोलते हैं वो लिया, मेथी लिया और राई लिया। इन सबको ड्राई रोस्ट की करके, ठंडा करके इनका पाउडर बना लिया। अब पाउडर हो गया तैयार। सबसे बड़ी बात है ना कि ये पाउडर आप कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। फिर क्या, मैंने जो मसाले प्याज को का पेस्ट बनाया था वो मैंने पाउडर के साथ मिक्स कर दिया। साथ में मैंने नमक, अमचूर पाउडर और हल्दी को भी मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ऐसे मिर्चे को साफ़ किया और बीज से ऐसे फाड़ के, उसका बीज आप ज़रूरी नहीं है निकाले, आप निकाल भी सकते हैं, मैंने नहीं निकाला। तो मैंने उसमें फिल किया, जो मसाले बच गए थे वो मैंने आलू में लगा दिया। अब बिल्कुल हमारा भरवा मिर्चा, और जिसको हम कलौजी भी कहते हैं हमारे इधर, हमने तैयार कर लिया। अब मैंने कढ़ाई गरम किया, उसमें तेल डाला। दोस्तों कभी भी ऐसी चीज़ें आप बनाएं ना, तो जहाँ भी जैसे मेथी, सौंफ, ये सारी चीज़ें जाती हैं ना, वहाँ आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें, बहुत गज़ब का फ्लेवर देता है। फिर मैंने उसको अच्छे से पका लिया, जो नमक बचा था वो भी ऐड कर दिया। बस ये बिल्कुल हो गया तैयार। बिल्कुल सर्व करिए। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करिए।